जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हमने आपको कुछ वैद्युत विभव के कल कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे थे, क्योंकि उसमें वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो हम आपको पढ़ा रहे थे वैद्युत धारिता और संधारित्र के बारे में आपको बता रहे थे। तो पुनः आपको हम एक बार रिवाइज कराते हुए आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको वैद्युत धारिता पढ़ाई, तो वैद्युत धारिता में क्या पढ़ा आपने, C बराबर क्यू अपॉन डी, ये वैद्युत धारिता का सूत्र, यही सूत्र संधारित्र की धारिता का है। तो आज हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त, एक डाल लो हेडिंग आप लोग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो संधारित्र वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मैंने कल आपको बताया था कैपेसिटर संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसी डिवाइस है जो कि ऊर्जा, ठीक है ना, इकट्ठा करता है, यानी आवेश को संचय, यानी ऊर्जा आवेश को संचय करता है और इसका एक साथ उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कंडेंसर में बता, कंडेंसर जो पंखे में लगा होता है, ये क्या करता है कि ये आवेश का संचय कर लेता है, जैसे इसको करंट मिला तो ये तुरंत ही जो है एक साथ पूरे करंट को, यानी एक साथ जो है करंट को इस पंखे को स्टार्ट करने के लिए उसमें लगा देता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा कि मानो कोई मेज लगी हुई है, तो जो मेज को खिसकाना चाहेंगे हम, तो पहले एक साथ तार लगाने पड़ते हैं, फिर मेज खिसकती है। तो इसी प्रकार से किसी चीज को एक साथ स्टार्ट करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता, ठीक है। या मतलब मान लीजिए कोई आपका ऐसा उपकरण है जिसको 25 एम्पीयर से 250 एम्पीयर तक विद्युत धारा चाहिए स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। जैसे टिल्लू पंप होता है मोटर वगैरह का पंप, इसको बहुत वो चाहिए, तो इसमें कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर का एक संधारित्र है जो ऊर्जा का संचय करता है, जो आवेश का संचय करता है, और जिसको एक साथ इकट्ठा उसका उपयोग कर सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। संधारित्र को, संधारित्र जो ऊर्जा जो आवेश का संचय होगा उसका हम एक साथ उपयोग कर सकते हैं, जिस कारण बहुत हैवी उपकरणों को चला सकते, ये हमारा संधारित्र। तो एक्चुअली हम समांतर प्लेट संधारित्र के अतिरिक्त तो और भी संधारित्र होते हैं, जैसे गोली संधारित्र। तो गोली संधारित्र हमने क्यों नहीं लिया, ये गोली संधारित्र ये होता है कि इसमें जो है वैद्युत बल रेखाएं काफी दूर दूर तक जा सकती है, तो इसमें आवेश का क्षण भी होता रहता है, क्षय होता रहता है, ठीक है ना। तो ये दूरी अधिक बढ़ जाती है, तो ज्यादा दूरी बढ़ने के साथ हमारी धारिता का मान अधिक नहीं आता है, ठीक है ना। ये बात आगे आप समझ लेंगे कि दूरी के साथ इसका रिलेशन क्या है, जिसके कारण का हम गोली संधारित्र की अपेक्षा समांतर प्लेट संधारित्र का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम समांतर प्लेट संधारित्र को देखो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम दो प्लेटें लेते हैं, एक प्लेट जैसे हमने धातु की, इसमें दो प्लेटें ली, ठीक है ना, और इस पहली प्लेट को हमने किसी आवेश के द्वारा, यानी वास्तविक के आवेश के द्वारा, आवेश क्यू दे दिया इसको, और इसको हमने आवेशित कर दिया। तो माना कि इस प्लेट का जो धन आवेश है और प्रेरण के कारण इसके पास रखी दूसरी प्लेट पे जो सिरा इसके नजदीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो सिरा इसके नजदीक है उस पर ऋण आवेश हो जाता है, और जो सिरा इससे दूर है दूसरी ओर है उस पर धनावेश होता है, जिसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसके कारण वो अनावेश, यानी पूरा का पूरा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इसकी दो प्लेटें हो गई, एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लो स्मॉल डी है, और जो प्लेटें हैं इन दोनों, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लो कैपिटल ए है, और प्रत्येक प्लेट का प्रश्नत इसका प्लस सिग्मा मान लो, इसका माइनस सिग्मा मान लो, ठीक है। वैसे परमाणु दोनों का मान प्लस ही होता है, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है ना। अब आगे हम और बात इसमें समझेंगे, उसके बाद पर आगे हम, हमने अभी क्या बताया कि एक हमने समांतर प्लेट संधारित्र को जब बनाया तो हमने दो प्लेटों को समांतर रखा, एक प्लेट धनावेश थी, दूसरी प्लेट के ऋणावेश थी। यहाँ से जो है धन क्रीड़न वो धन बल रेखाएं निकलती हैं, धन से लेती हैं। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को स्थापित कर देती, क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये जो है दोनों प्लेट समांतर है, अर्थात ये जो है एक समान, दोनों ये इनकी वैद्युत बल रेखाएं भी समांतर होंगी, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के बीच स्थापित हो जाए। अब कुछ छोटी बातें समझेंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बातें समझते हैं हम लोग, तो देखिएगा। हाँ, बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बातों को भी आप लोग समझते जाएंगे, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो मैंने आपको बताया था अगर दो प्लेटें, एक प्लेट पर धनावेश हो दूसरी पर ऋणावेश हो, इनके बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो ई बराबर क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जे डेरिवेशन आप हम करा चुके हैं, पहले समझा चुके हैं। अगर एक प्लेट धनावेश है और एक प्लेट ऋणावेश है, ठीक है ना, तो धन तथा ऋणावेश प्लेटों के बीच सदैव वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये मैं आपको पुरानी बात को आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ जिससे आपको तैयार हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिएगा ये हमारी दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है और इनके बीच मान लो हमने विभांतर बी स्थापित कर दिया दोनों प्लेटों के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी। ये भी सूत्र हम आपको शायद बता चुके पहले, कैसे बता चुके, मैंने बताया विभव प्रवणता आपको पढ़ाई थी, तो विभव प्रवणता के लिए मैंने एक संबंध बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध जी आया था माइनस डी वी अपॉन डी आर, बताया था ये वी, ये क्या है आपकी विभव प्रवणता, इसको हम मान लो वी मान लें, इसको मान लो हम डी मान लें, तो क्या हो जाएगा ई बराबर वी अपॉन डी। ये दोनों छोटी छोटी बातें आप लोग समझ लो कि समांतर प्लेट संधारित्र को डेरिवेशन करने में कुछ भी नहीं है, हमें पहले ये बात समझनी है इसके बीच ई कैसे आया बी कैसे आया, ये बात आपको समझनी है। तो ये मान लीजिए ऐसे ये दो प्लेट एक धन एक ऋण, ऐसे धन और ऋण, तो धन और ऋण आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी प्रकार से ई बराबर होता है बी अपॉन डी, ठीक है ना। और हम इसका डेरिवेशन अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो बता रहे हैं, इसी वीडियो को आप कंटिन्यू मान के आगे समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है आपको थोड़े थोड़े समय के लिए आपको वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना।